हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कृषि कानून के विरोध में आज किसानों का भारत बंद, किसानों के समर्थन में 13 राजनीतिक दल भी बंद में शामिल हैं। किसानों ने भारत बंद का समर्थन करने के लिए पार्टियों को शुक्रिया किया, लेकिन सख्त हिदायत भी दी, कहा कार्यकर्ता अपनी पार्टियों का झंडा लेकर ना आए। भारत बंद के ऐलान के चलते दिल्ली में पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के लिए सीमेंट के बोल्डर्स लगाए गए हैं। किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे समाजसेवी अन्ना हजारे भी, भारत बंद के दौरान आज रखेंगे एक दिन का उपवास। भारत बंद के दिन किसान संगठनों का दूध, फल, सब्जी व सेवाओं पर पूरी तरह से रोक का ऐलान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहीं। किसानों के समर्थन में निकले एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना के आढ़ती और मजदूर यूनियन 50 बसों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने भी भारत बंद में किया किसानों का साथ, आज बंद रखेंगे राज्य भर के पेट्रोल पंप। राजधानी दिल्ली में आज नहीं चलेंगी ओला उबर की टैक्सी, सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन का किसानों के समर्थन का ऐलान। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की, बंद को सफल बनाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के एपीएमसी मार्केट आज बंद रहने वाले हैं। सब्जी मंडी, फल बाजार और दूध केंद्र नहीं खुलेंगे। बिहार में यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर भी बंद का असर, मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत बंद को लेकर एडवाइजरी भी जारी की, सभी राज्यों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसानों की दिल्ली घेराबंदी के बीच सरकार को मिला हरियाणा के बड़े कृषि संगठनों का साथ, कृषि मंत्री से मिलकर कहा कानून वापस ना ले सरकार। प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्लब के अध्यक्ष ने किया नए कृषि कानून का समर्थन, बोले प्रदर्शन करने वाले किसानों को गुमराह किया गया है। किसान नेताओं का दावा, भारत बंद के दौरान शादी कार्यक्रमों के लिए रहेगी छूट, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का ऐलान, नहीं होगी ज्यादा दिक्कत, आज खुली रहेंगी कनॉट प्लेस की तमाम दुकानें। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा किसानों के साथ पूरी सहानुभूति, लेकिन जरूरी सामानों की आपूर्ति रोकने का कोई मतलब नहीं, इसलिए बंद में नहीं शामिल होंगे। दिल्ली में आज ऑटो रिक्शा संघ का ऐलान, भारत बंद में शामिल नहीं होंगे, सामान्य रूप से काम करेंगे। भारत बंद में शामिल नहीं होंगे गाजीपुर मंडी के व्यापारी, कहा सब्जी मंडी से लोगों को रोज की जरूरत पूरी होती है जिसे नहीं रोक सकते। भारत बंद के समर्थन में नहीं सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारी भी, बाजार के अध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने कहा बंद किसी समस्या का समाधान नहीं। महाराष्ट्र के रिटेल व्यापारी एसोसिएशन ने भारत बंद का विरोध किया, कहा अपने रोजगार के लिए केंद्र खुले रखेंगे। बसों में लोकल ट्रेन और बेस्ट की बसों पर नहीं होगा भारत बंद का असर, सुचारू रूप से महाराष्ट्र में होगा परिचालन। हिमाचल प्रदेश में बसें और गाड़ियां चलेंगी, खुली रहेंगी दुकानें, शिमला व्यापार मंडल ने बंद से दूर रहने का ऐलान किया, होटल भी खुले रहेंगे। पीएम मोदी को पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने चिट्ठी लिखी, नए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शरद पवार पर साधा निशाना, बोले जब वो यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे
तब राज्यों को पत्र लिखकर एपीएमसी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता बताया था।